हेलो दोस्तों, कैमरामैन अमीर के साथ मैं अनुराग गुप्ता नवी मुंबई महाराष्ट्र से अर्बन गाइड चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हमारे पास 55 इंच का सोनी एलईडी टीवी आया हुआ है जिसमें डबल इमेज फ्लिकरिंग प्रॉब्लम और लाइन बार जैसी समस्या इस टीवी में है। मैं आपको लाइव ही वीडियो रिपेयर करके दिखाऊंगा और लाइव ही सोल्यूशन बताऊंगा। जैसे कि आप देखना चाहेंगे, कैमरामैन थोड़ा मॉडल नंबर दिखा दीजिए। कैमरामैन आप देखने का कोशिश करेंगे 55X 8500D है मॉडल नंबर। आप देखने का कोशिश करेंगे 55X 8500D है दोस्तों। ये 55 इंच का एलईडी टीवी है दोस्तों। मैं आपको 55 इंच का टीवी है, मैं आपको लाइव वीडियो इसका दिखाऊंगा। तो मैं आपको चालू करके दिखा लेता हूँ। हालांकि ये टीवी सोनी का बहुत पतली होती है, तो ये ढक्कन को मैंने पहले ही से खोल रखा है और मैं मॉडल नंबर आपको तो दिखाई दिया और मैं आपको चालू करके भी दिखा दूंगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है। मैं जो भी बनाता हूं दोस्तों, लाइव ही वीडियो बनाता हूं ताकि आपको भी कोई सीखने का मिले, आपको भी कुछ मिले। तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो हम यहां से सोनी रिमोट से चालू कर लेते हैं और आपको दिखाएंगे दोस्तों, देखने का कोशिश भी करेंगे। ये टीवी चालू हो रही है दोस्तों, आप देखने का कोशिश करेंगे। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं दोस्तों, लाइव ही वीडियो बनाता हूं ताकि आपको भी देखने को मिले। इसमें दो समस्या नहीं, तीन समस्या है। डबल इमेज फ्लिकरिंग और लाइन बार जैसी समस्या है दोस्तों। वो भी 55 इंच का एलईडी टीवी है। जैसे कि अभी चालू हो रही है तो मैं जो भी है चालू करके ही दिखाता हूं दोस्तों। ऐसा नहीं कि हमने चालू करके पहले आपको दिखाया, चालू करके स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं ताकि आपको भी समझने में अच्छा लगे। जैसे ये टीवी है चालू हो रही है, एंड्रॉयड आया, फिर अभी होम पेज आने वाला ही है। ऐसी ऐसी समस्या दोस्तों हमारे साथ घटती है, आपके साथ घटती है, तो आप हमारे पास रहते हैं सोल्यूशन के लिए। हमारे पास ये कुछ नहीं है 55 इंच, हम तो 75 इंच तक टीवी रिपेयर करते हैं, लेकिन वो बड़ा टीवी हटाने और दिखाने में दोस्तों बहुत रिक्सी हो जाता है। इसलिए मैं सोचा कि आज 55 इंच का आपके सामने लाइव वीडियो बता देता हूँ। हमारे पास 75 इंच का सोनी का टीवी आया हुआ है, इसमें भी डबल इमेज का ही प्रॉब्लम है, वो छोटा मोटा फॉल्ट है हमारे लिए। मैं उसके बारे में भी, समय मिलेगा तो 75 इंच का भी आपके सामने लाइव वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन ये 55 इंच का मैं आपको दिखा रहा हूँ। होम पेज मैं दबा देता हूँ और मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों। IR पीछे है तो होम पेज दबा लेते हैं, इसको आपको दिखाएंगे दोस्तों लाइव ही। बटन नहीं हुआ, स्टार्टिंग है ना, प्लीज वेट लिख रहा है, अब आ गया होम पेज। देखने का कोशिश करेंगे दोस्तों, ये फ्लिकरिंग प्रॉब्लम जैसी समस्या इसमें बहुत सारा हो रहा है। आप कैमरा में थोड़ा आ रही है क्लियरिटी, आप देखने का कोशिश करेंगे, पूरा पिक्चर हिल रही है। डबल इमेज, कलर बार, लाइन बार सब हो रही है दोस्तों। एक डिस्प्ले में अनेक प्रकार की सिम्टम हो रही हैं। मैं आपकी ऐसी समस्या अगर आपके साथ भी घटना घटे तो हमारे से सोल्यूशन सीख सकते हैं, जबकि मैं भी आपको दिखा रहा हूं कि कैसे रिपेयर हो रही है। एक बार आप सिम्टम देख लेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम थी। YouTube हम चालू कर रहे हैं, YouTube हमने चालू कर दिया है, अब ये देखने का कोशिश करेंगे। डिस्प्ले में प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए स्लो स्लो काम कर रही है डिस्प्ले। मैं आपको लाइव ही वीडियो रिपेयर करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखने का कोशिश करेंगे। लाइन बार है, कलर बार है, डबल इमेज है, फिकरिंग है, सब सारी समस्या एक ही टीवी में आ चुकी है, इसलिए मैं आपके सामने लाइव ही वीडियो इसको दिखाऊंगा। तो हम क्या करते हैं कि टीवी को नीचे रख लेते हैं और आपके बारे में दिखाएंगे। हालांकि मैं अभी टीवी नहीं बंद कर रहा हूं, सिर्फ टीवी नीचे रख रहा हूं दोस्तों। दोस्तों बड़ी टीवी है, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है रखने में, क्योंकि सोनी एक ऐसा टीवी है जो बहुत पतली सेट बनाता है। ये IR था दोस्तों और ये था, इसके ऊपर एक ढक्कन भी था दोस्तों। तो हमने समय को बचत करते हुए ढक्कन को निकाल रखा था और कवर को खोल रखा था ताकि आपको कम समय में वीडियो
दिखा देंगे। तो हमने ये टीवी को चालू कर रखा है, टीवी अभी भी चल रही है, देखने का कोशिश करेंगे। यहाँ लाइट जल रही है, अंदर का लाइट जल रही है, अंदर में लाइट जल रही है। फिर तो हम दोस्तों हम आपको सामने लाइव ही वीडियो दिखाएंगे। देखने का कोशिश करेंगे, पहले हम इसमें वोल्टेज चेक करते हैं दोस्तों। 12 वोल्टेज और 3.3 और VDD वोल्टेज सारी ओके है, लेकिन मेन वोल्टेज होता है VGH दोस्तों। VGH पहले चेक करेंगे। VGH हमने लगा रखा है दोस्तों, ग्राउंड दे रखा है। तो अब देखने का कोशिश करेंगे 27.91 यानी 27.91 वोल्टेज बन रही है VGH। VGH देख रहे होंगे 27.91 बन रही है VGH। और VGL भी हम चेक करेंगे तो VGL -5 बन रही है। VGL कभी भी दोस्तों -5 से -9 तक VGL बनता है। तो आप देखने का कोशिश करेंगे -5 VGL बन रही है दोस्तों। ये वोल्टेज सारी ओके है, लेकिन हम कुछ मॉडिफाई करेंगे। हम देखेंगे ऑड इवन, ऑड इवन को हम चेक करेंगे। तो आप देखने का कोशिश करेंगे, कैमरामैन इस पे दिखाइए ऑड इवन को दोस्तों। आप देखने का कोशिश करेंगे इसमें, ऑड इवन का देखने का कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इसमें देखिए 27 पॉइंट हो रही है, कभी 9 पॉइंट हो रही है। देखिए दोस्तों इसमें मल्टीमीटर में ऑटोमेटिक वोल्टेज लो हाई लो हाई लो हाई हो रही है। अब देखने का कोशिश करेंगे, डिजिटल मीटर है इसमें तो हर चीज़ दिख जाता है। 27 वोल्ट हो रही है, कभी VGH बन रही है, कभी VGL बन रही है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रुक नहीं रही है। ऑड इवन का दोस्तों फॉल्ट है, ऑड इवन का। तो हम क्या करेंगे कि इसका VGH उठाकर यहाँ से VGH यहाँ पे उठाकर जम्पर देंगे। तो मैं आपको लाइव ही वीडियो दिखाऊंगा। और दोस्तों इसमें दो सिम्टम होती है, एक तो वोल्टेज का होता है, वोल्टेज हमने चेक किया तो वोल्टेज एक तो मिसिंग है, दूसरा प्रॉब्लम होता है ये FFC का। FFC बेल्ट को पहले चेक करेंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम है, कहीं इसमें जंग मॉइस्चर तो नहीं ना लगा है। तो हम क्या करेंगे, पहले टीवी को एडाप्टर निकाल के बंद कर लिए। तो हाँ, तो पहले क्या करेंगे कि इसको चेक करेंगे दोस्तों। तो थोड़ा थोड़ा इस पर जंग मॉइस्चर लगा है, तो हमारे पास रबड़ है, रबड़ से थोड़ा थोड़ा साफ सुफ कर लेंगे दोस्तों, साफ करके लगा देंगे, ताकि इससे भी समस्या कुछ चीज़ें हैं जो सही हो जाती हैं साफ सुफ करने से भी। इसको भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों इसका प्रिंट थोड़ा घिस गई है, प्रिंट दोस्तों बहुत इस पर जंग मॉइस्चर लगा है, इससे भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी लगा लेते हैं, साफ सुफ करके दोस्तों एक बार लगा लेते हैं कि हो सकते हैं दोस्तों। देखिए इसको बहुत से धूल मिट्टी लगा हुआ था, ब्लैक हो चुका था। तो हमारे पास ये रबड़ था, पेंसिल मिटाने वाला रबड़ है, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं ना पेंसिल वाला, वो रबड़ से इसको साफ़ किया जाता है। साफ़ करने से जंग मॉइस्चर जो है वो निकल जाते हैं। तो हमने इसको साफ कर लिया है, करके हम लगा लेते हैं, ताकि इस कुछ टीवियाँ हैं दोस्तों कि इससे भी जंग मॉइस्चर साफ करने से भी डिस्प्ले ओके हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको लगा लेंगे, लगाने के बाद फिर एक बार चेक करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। एक तो टिकोन में वोल्टेज हाई लो हो रही है, एक तो समस्या वो निकल गई है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन एक बार क्या करेंगे कि इसको चालू करके एक इस तरह से भी देख लेंगे कि अगर इससे हो गया तो हो गया, नहीं तो FFC चेंज कर देंगे, क्योंकि बहुत मॉइस्चर हो गया था, बहुत गंद हो गई थी। तो आपको दिखाने का कोशिश करेंगे दोस्तों, टीवी चालू हो रही है, नो प्रॉब्लम दोस्तों, जो सेम प्रक्रिया है। देखने का कोशिश करेंगे, सेम प्रॉब्लम है, आप चालू भी हो रही है, कुछ देर में मैं आपको दिखाऊंगा लाइव ही कि देखने का कोशिश करेंगे, सेम प्रक्रिया है, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। तो हम क्या करेंगे कि किनारे वाला जो FFC हमने साफ किया था उसको चेंज करेंगे और वोल्टेज पे जम्पर देंगे। ऑड इवन का फॉल्ट है दोस्तों, ऑड इवन का जम्पर देने से और FFC चेंज करेंगे तो ये ओके होने का चांस है। तो हम आपको लाइव ही दिखाएंगे, क्योंकि हम जो भी करते हैं लाइव ही करते हैं। अब देखने का कोशिश करेंगे, कुछ भी इसमें सोल्यूशन नहीं हुआ दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कुछ सीखना है, अगर देखना है, तो एक ही वीडियो में मैं बता देता हूँ पूरी
डिटेल एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप देखना चाहेंगे ये पूरी वीडियो में लाइन बार आ रही है, पूरी लाइन बार आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि टीवी को पट कर लेंगे और फिर मैं आपको लाइव ही वीडियो दिखाऊंगा। बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, अगर कुछ भी इधर हुआ तो डिस्प्ले टूट जाता है दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो हम क्या करेंगे कि टीवी को एडाप्टर से निकाल लेंगे। और ये वाला दोस्तों बहुत मॉइस्चर लग चुका था, तो हम क्या करेंगे कि इसको चेंज कर देंगे। ये बेकार हो चुका है दोस्तों, बहुत बेकार चुका होगा, जंग मॉइस्चर लग चुकी है दोस्तों इसमें। तो हमारे पास इतने सारे एलवीडीएस हैं, कैमरामैन दिखाइए, हमारे पास इतने सारे एलवीडीएस हैं, दोस्तों इससे छोटा है ये बड़ा है, लेकिन सेम साइज का है दोस्तों, सेम साइज का है, ये भी उसी की जगह पे काम कर लेगा। अब देखने का कोशिश करेंगे, सेम साइज का है ये, साइज ये मिलाया जाता है, आगे का पिन दोस्तों साइज मिलाया जाता है, आगे का पिन देखने का कोशिश करेंगे, दोनों मैच हो रही है, लेकिन ये बड़ा है ये छोटा है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों, ये आपस में लग जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा कि इसको लगाऊँगा, इसको लगाऊंगा, यहाँ पे लगाने के बाद मैं चालू करके दिखाऊंगा। और दूसरी बात है कि इसका वोल्टेज रुक नहीं रही है, तो दोस्तों मैं क्या करूंगा कि ऑड इवन का फॉल्ट है, तो दोस्तों ऑड इवन का जम्पर दे दूँगा। तो हम क्या करेंगे कि वायर ले लेंगे, हमारे पास वायर बहुत पड़ा है, एक तो पहले टिकोन को रिपेयर करेंगे, टिकोन रिपेयर होने के बाद ये वोल्टेज को रोकेंगे, रोकने के बाद ही मैं देखूँगा कि ओके होता है। कैमरामैन दिखाइए, हमारे पास दोस्तों पेस्ट एकदम ओरिजिनल वाला पेस्ट यूज करते हैं ताकि ये सही हो चुके। तो हमारे पास कटर है, कटर से थोड़ा सा छील लेते हैं, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है दोस्तों, दोनों तरफ से कर लेते हैं। किधर गया इसका, रिसोल्ड वायर कहीं गिर गया क्या? अंदर रखे थे, यहाँ ये बगल में है, रिसोल्ड वायर दोस्तों ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ऑड इवन पे दोस्तों, ऑड इवन पे एक बार जम्पर मार देंगे, ऑड इवन पे मार लिया दोस्तों, और वीजीएच पे भी मार लेंगे, वीजीएच वीजीएच पे एक कैपेसिटर है, इसी पे भी दे देंगे वोल्टेज, सेम प्रक्रिया होती है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये VGH को ऑड पे दे देंगे, ऑड इवन पे, ये VGH को उठाया और इस पे दे दिया ऑड पे। बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर घसका तो ये टिकोन पहले उड़ेगा, टिकोन उड़ेगा मतलब जल जाएगा, धुआं दे देगा, ख़त्म हो जाएगा, नया टिकोन लगाना पड़ेगा। तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है जंपर मारने के लिए, हमारा एक्सपीरियंस है तो हम मार लेते हैं, अगर आप भी अगर जंपर मारना चाहेंगे तो बहुत सावधानी बरतिएगा। तो मैं आपको टीवी लगा लेता हूँ, पूरी फंस जाती है टीवी, बड़ी है ना इधर उधर करने में। तो हम टीवी को 19 वोल्ट का एडाप्टर लगा देते हैं और फिर टीवी को चालू कर लेते हैं और रिमोट से फिर चालू कर लेते हैं इसको। इसीलिए इन्हें कहा जाता है गुप्ता जी। देखने का कोशिश करेंगे, देखने का कोशिश करेंगे दोस्तों, एंड्रॉयड का लोगो एकदम एक नंबर का क्लैरिटी के साथ आ रहा है, यानी ये टीवी बन चुका है दोस्तों। जो भी हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों, लाइव ही वीडियो बनाते हैं, हमने इसमें क्या लगाया, एक FFC बेल्ट लगाया और एक जम्पर मारा, बस ये छोटी सी फॉल्ट के लिए ये रिपेयर हो चुका है दोस्तों। अगर मैंने इसको रिपेयर किया है लो बजट में, कस्टमर मेरा यूट्यूब से वीडियो देख कर आया हुआ है, वासी से दोस्तों, वासी से टीवी लेकर आया, मैंने उसको मात्र 3000 रुपये में रिपेयर करके दिया हूँ और उसको बताया हूँ कि ये दो साल तक चलेगा, दो साल से ज़्यादा नहीं चलेगा दोस्तों। मैं भी जो भी बनाता हूँ, लाइव वीडियो बनाता हूँ और इसका बता रहा हूँ कि ये दो साल तक चलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मात्र 3000 रुपये में मैंने इतना बड़ा टीवी रिपेयर करके आपके सामने दिखाया। तो मैं आपको यूट्यूब भी दिखा देता हूँ, इसका IR पीछे है दोस्तों,
देखने का कोशिश करेंगे। होम पेज हमने दबा दिया है, होम पेज आ गया। फिर अब लाते हैं YouTube, अब देखने का कोशिश करेंगे। क्लैरिटी तो सोनी सोनी ही होती है, क्लैरिटी इतनी खतरनाक है इसकी। अब देखने का कोशिश करेंगे कितना मस्त आ रहा है इसका। हम एक भी देख सकते हैं, जैसे कि इन्होंने गुप्ता जी ने हमारा टीवी रिपेयर किया है, एक फ्लिकरिंग नहीं, एक बार नहीं, एक लाइन नहीं। आपको मैं पूरी तरीके से दिखा देता हूँ, एक लाइन एक फ्लिकरिंग दिखाई है, टीवी फ्री में बनवा के लेके गए। अगर आप भी ऐसा टीवी रिपेयर कराना चाहेंगे तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। लो प्राइस में हमारा होलसेल का काम है दोस्तों। हम ज़्यादातर सोनी एलजी सैमसंग का ही टीवी रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हो गया है रिपेयर करने का। आप देखना भी चाहेंगे, आपके सामने लाइव ही वीडियो दिखाया है। हम एडिटिंग नहीं करते हैं दोस्तों, सामने लाइव वीडियो दिखाते हैं। थोड़ा हमारा भाषा में परिवर्तन है दोस्तों, मुझे हिंदी उतनी नहीं आती है, मुझे भोजपुरी आती है, मैं भोजपुरी और हिंदी मिक्स कर देता हूँ। आप भाषा पर मत जाइएगा, आप देखने का कोशिश करेंगे। अब पिक्चर आ रही है तो आप देखने का कोशिश करें। हमने कार्टून इस पर लगा रखा है, कार्टून पहले से लगा हुआ था, आप देखने का कोशिश करेंगे। अभी टीवी चालू हो चुकी है दोस्तों। अगर आप भी ऐसा रिपेयर करना चाहेंगे तो आप भी रिपेयर कर सकते हैं, या फिर हमसे रिपेयर कराना चाहते हैं तो हमारा लो प्राइस में दोस्तों रिपेयर होती है। तो इसको मैं म्यूट कर लिया, आवाज़ नहीं आएगी, ताकि हमारी आवाज़ आपके कानों तक आएगी। अगर आप भी रिपेयर करना चाहते हैं तो आप भी रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने क्या क्या इसमें किया था, आप भी देखने का कोशिश करेंगे। हमने VGH को लेकर ऑड पे दिया, ऑड पे जंपर दिया है हमने। VGH से एक वोल्टेज उठाकर इस पे दिया, आप देखने का कोशिश करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, मल्टीमीटर में वोल्टेज रुका हुआ होगा, पहले माइनस प्लस हो रही थी, अब माइनस प्लस नहीं होगी दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव ही वीडियो। और एक ये FFC बेल्ट ख़राब हो चुकी थी तो हमने नया इसमें लगा दिया, हमारे पास बहुत पड़ा रहता है। तो आप देखने का कोशिश करेंगे इसमें दोस्तों। देखिए दोस्तों, 27.8991 हो रही है दोस्तों। आप देखने का कोशिश करेंगे, रुका हुआ है, 27 वोल्टेज रुका हुआ है, पहले रुका हुआ नहीं था, लो हाई माइनस प्लस हो रही थी दोस्तों पहले। आप देखने का कोशिश करेंगे, 27 वोल्ट पे ही रुका हुआ है। आप देखने का कोशिश करेंगे, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ लाइव ही वीडियो बनाता हूँ। आप भी ऐसा रिपेयर करना चाहेंगे तो रिपेयर कर सकते हैं। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ख़त्म, जय हिंद दोस्तों।